मधुबनी में मारे गए पत्रकार के परिजन से मिले पप्पू यादव। पत्रकार हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग। मधुबनी के पत्रकार बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा की हत्या के मामले में विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले में पत्रकार के हत्यारे को सरकार पर बचाने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पत्रकार हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग की है। मधुबनी जाने के क्रम में दरभंगा में प्रेस वार्ता कर पप्पू यादव ने अस्पताल माफिया और शराब माफिया पर जमकर बरसे। इन्होंने बिहार सरकार को भी जमकर कोसा। पप्पू यादव ने कहा कि अविनाश झा एक खोजी पत्रकार थे, फर्जी अस्पताल एवं जाँच घर के खिलाफ ये लगातार आवाज़ उठा रहे थे, इसी वजह से अविनाश झा की निर्मम हत्या कर दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाप के जिलाध्यक्ष मुन्ना खां एवं महासचिव चुनमुन यादव भी उपस्थित थे। उन्होंने क्या कहा आप सुने। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। बुद्धिनाथ झा बेनीपट्टी भैया पत्रकार नहीं था, खोजी पत्रकार था जी, आरटीआई एक्टिविस्ट भी था। जिंदा जला दिया गया और हॉस्पिटल के मालिक लोगों ने जलाया और स्वास्थ्य मंत्री प्राइवेट नर्सिंग होम को उद्घाटन करने में लगे हैं। तो भाई स्वास्थ्य विभाग जिसके खिलाफ हमारी सबसे बड़ी जंग है, ये फर्जी प्राइवेट नर्सिंग होम जो कुकर मुत्ते की तरह खुल गया है और जिसमें नेताओं का पैसा इन्वॉल्व है, पूरा नेता का पैसा फर्जी नर्सिंग होम में इन्वॉल्व है और मस्त होके लूट रहे हैं, तो बहुत क्लियर है, उसमें कोई बहस नहीं है। हम वहां जा रहे हैं, जरूरत होगी तो उस परिवार को 50,000 रुपया हम पार्टी के तरफ से देंगे, सीबीआई इंक्वायरी करेंगे, मुख्यमंत्री से 2 दिन के अंदर मिलेंगे। मैं एक एक लोगों का नाम दूंगा जो जो शराब माफिया हैं और इन नेताओं के गाड़ी में शराब माफिया चलते हैं। मैंने उस दिन कहा नौतन में कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के गाड़ी में विजय गुप्ता थे, क्यों विजय गुप्ता शराब माफिया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के गाड़ी में चलेगा, क्यों वो नौतन गए। एक तरफ आप कहते हैं कि शराब बेचवाता है, कल यही बात आज उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 80% दरोगा शराब बेचवाते हैं और उनको कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें। तो फिर आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी बोल रहे हैं, जदयू भी बोल रहे हैं, और ये पॉलिसी लाई गई लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकार जब थी तब, और विपक्ष इन चीजों से सड़क पर उतरेंगे नहीं। आपको कुशेश्वर स्थान जाने का दरभंगा आने का रास्ता मिला, मुजफ्फरपुर में 14 लोग मर गए थे, आप वहां नहीं गए। वोट लेने की बारी, शराब के पैसे से हेलीकॉप्टर आप चलाएंगे। 4 माफिया इस प्रदेश को कंट्रोल कर रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष को, शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया और टेंडर माफिया, और ये 4 माफिया नेताओं के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। लगातार घटना विकराल, एक तरफ शराब, और शराब में मुझे आश्चर्य लगता है, मैं तो नाम दे रहा हूँ, आप इंक्वायरी क्यों नहीं कर रहे, अरेस्ट नाम मैं देने जा रहा हूँ। मैं एक एक लोगों का नाम दूंगा जो जो शराब माफिया हैं और इन नेताओं के गाड़ी में शराब माफिया चलते हैं। मैंने उस दिन कहा नौतन में कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के गाड़ी में विजय गुप्ता थे, क्यों विजय गुप्ता शराब माफिया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के गाड़ी में चलेगा, क्यों वो नौतन गए। एक तरफ आप कहते हैं कि शराब बेचवाता है, कल यही बात आज उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 80% दरोगा शराब बेचवाते हैं और उनको कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें। तो फिर आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी बोल रहे हैं, जदयू भी बोल रहे हैं, और ये पॉलिसी लाई गई लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकार जब थी तब, और विपक्ष इन चीजों से सड़क पर उतरेंगे नहीं। आपको कुशेश्वर स्थान जाने का दरभंगा आने का रास्ता मिला, मुजफ्फरपुर में 14 लोग मर गए थे, आप वहां नहीं गए। वोट लेने की बारी, शराब के पैसे से हेलीकॉप्टर आप चलाएंगे। 4 माफिया इस प्रदेश को कंट्रोल कर रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष को, शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया और टेंडर माफिया, और ये 4 माफिया नेताओं के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। हमने तो कहा कि शराब माफिया को पूरा लिस्ट है मेरे पास, या तो आप इंक्वायरी करिए, जांच करिए, अन्यथा नया पॉलिसी लाइए, विधानसभा आप बुलाइए जल्दी, और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स को चेंज करिए। जो शराब और स्मैक पीता है उसको नीचे स्तर से लेके ऊपर तक आप टिकट देने से वंचित कर दें। जब 3 बच्चे 4 बच्चे वाले को टिकट नहीं देंगे
अजलनल योजना में बर्खास्त करेंगे मुखिया को, अन्य लोगों को, भ्रष्टाचार में आप आरोप लगाएंगे तो इतना बड़ा माफिया को और शराब पीने वाले को टिकट कैसे देंगे? उनका आधार कार्ड सीज कीजिए, जहाँ भट्टी चलती है वहाँ आधार कार्ड सीज कीजिए और बिजली पानी और बैंकिंग सिस्टम को कॉलेप्स कर दीजिए। आप यदि शराब खत्म करना चाहते हैं तो आपको देसी शराब खत्म कर दी हो। 6,32,000 लोग जेल गए, वो 6,32,000 लोग जो जेल गए, थाने को भी पैसा दिया और वकील को भी पैसा दिया। मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, फैमिली टॉर्चर, बिखराव हो गई, पैसे भी बाहर गए, बंगाल में, पंजाब में, नेपाल में, चंडीगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, मेरा पैसा मेरा डेवलपमेंट में नहीं। अब करी बनाई पॉलिसी क्या विपक्ष जैसा? मैंने तो मान लिया बीजेपी में सारे के सारे कमजोर, दुष्ट, धूर्त, रूढ़ी कुछ बोलेगा, सुशील मोदी कुछ बोलेंगे, जसवाल जी कुछ बोलेंगे, कभी कहेंगे थानेदार हमारी बात नहीं सुनता, कभी कहेंगे थानेदार अपराधी चलाता है। आप हैं क्यों? इतने कायर और कमजोर आदमी हैं क्यों? आप विधवा विलाप क्यों करते हैं? कब तक रोना रोइएगा? अब रिजाइन कीजिए, यानी तो समर्थन वापस लीजिए। समर्थन कौन वापस लेगा? मैं बीजेपी वापस ले या रिजाइन करिए? यदि दरोगा चला रहा है, आपकी सुन नहीं रहा है, अरे भाई आपको तो सारा विभाग जदयू से ज्यादा विभाग है और सबसे ज्यादा दारू बेचने वाले बीजेपी के लोग हैं। मैं लिस्ट में सबसे ज्यादा नाम मेरा, मैं एक महीने के अंदर बिहार के सारे लिस्ट को ओपन कर दूंगा और उसके बाद जो जो नेता है उसको मैं ओपन करूंगा। आप इंक्वायरी कराइए, सीबीआई से जांच कराइए, उसकी संपत्ति जब्त करिए, 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल करिए। बहुत क्लियर है।